खबर ऑस्ट्रेलिया तो सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने एक वड्डा ऐलान किया, उन्होंने वालों ऑस्ट्रेलिया के बार्डर खोल दिए गए हैं, सैलानियों की आने की इजाजत दे दी गई है। इस नाल ही उन्होंने हदायत भी जारी की ने कि जिन्होंने कोविड वैक्सीन लवाई होगी वही ऑस्ट्रेलिया दे विच आ जा सकते हैं। देखो यह खास रिपोर्ट। सो दस दिए कि कोरोना वायरस महामारी कारण लगभग 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार वालों ऑस्ट्रेलिया के बार्डर खोलने की तैयारी की जा रही है। दस दिए कि ऑस्ट्रेलिया सरकार वालों देश की सरहद को 21 फरवरी 2022 तो सैलानियों के लिए खोलिया जा रहा है। हालांकि सिर्फ कोविड टीकाकरण करवाने वाले सैलानियों ऑस्ट्रेलिया आने की इजाजत दी जाएगी। एक रिपोर्ट मुताबिक टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच वांग डबल टीकाकरण ना करवाने वाले लोगों को सरकार देश दे विच एंट्री नहीं देगी। इस संबंधी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया दे विच एंट्री लई लोगों को एक शर्त पूरी करनी होगी। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया आने लई लोगों को डबल टीकाकरण करवाने की शर्त को पूरा करना होगा। असी हर किसी तो इसकी पालना करने की उम्मीद करते हैं। इस तों अगे उन्होंने कहा कि जेकर तुसी कोरोना वैक्सीन दीआं दोवें खुराकां लै लईआं ने तो असी ऑस्ट्रेलिया दे विच तुहाडा स्वागत करने लई उत्सुक हाँ। पीएम मॉरिसन ने कहा कि कोविड का ओमिक्रोन वैरियंट अजे भी ऑस्ट्रेलिया दे विच मौजूद है। उन्होंने भी कहा कि जो अंतरराष्ट्रीय सैलानी कोरोना वैक्सीन दीआं डबल डोज लैके आ रहे हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दे विच पहलां तों मौजूद लोगों के नालों ज़्यादा खतरा नहीं है। दस दिए कि पछमी ऑस्ट्रेलिया हले भी कोविड जीरो रणनीति का पालन कर रहा है। इस तरह राज तो उम्मीद की जाती है कि वह अपने आगमन कैंप अते 14 दिन के क्वारंटीन नियमों को कायम रखेगा जो वड्डी गिनती विच अंतरराष्ट्रीय सैलानियों राज दे विच दाखल होने तो रोक सकता है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने मार्च 2020 तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के स्थाई नागरिकों को आग्या देने तो बाद पड़ावार अपने बार्डर खोले ने। इस तो इलावा नवंबर 2021 सरकार वालों सिर्फ उन्ना हुनरमंद प्रवासियों के विद्यार्थियों को आग्या दी गई सी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन दीआं दोवें खुराकां लगाईआं गईआं सी। खबर ऑस्ट्रेलिया तो सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने एक वड्डा ऐलान किया, उन्होंने वालों ऑस्ट्रेलिया के बार्डर खोल दिए गए हैं, सैलानियों की आने की इजाजत दे दी गई है। इस नाल ही उन्होंने हदायत भी जारी की ने कि जिन्होंने कोविड वैक्सीन लवाई होगी वही ऑस्ट्रेलिया दे विच आ जा सकते हैं। देखो यह खास रिपोर्ट। सो दस दिए कि कोरोना वायरस महामारी कारण लगभग 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार वालों ऑस्ट्रेलिया के बार्डर खोलने की तैयारी की जा रही है। दस दिए कि ऑस्ट्रेलिया सरकार वालों देश की सरहद को 21 फरवरी 2022 तो सैलानियों के लिए खोलिया जा रहा है। हालांकि सिर्फ कोविड टीकाकरण करवाने वाले सैलानियों ऑस्ट्रेलिया आने की इजाजत दी जाएगी। एक रिपोर्ट मुताबिक टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच वांग डबल टीकाकरण ना करवाने वाले लोगों को सरकार देश दे विच एंट्री नहीं देगी। इस संबंधी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया दे विच एंट्री लई लोगों को एक शर्त पूरी करनी होगी। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया आने लई लोगों को डबल टीकाकरण करवाने की शर्त को पूरा करना होगा। असी हर किसी तो इसकी पालना करने की उम्मीद करते हैं। इस तों अगे उन्होंने कहा कि जेकर तुसी कोरोना वैक्सीन दीआं दोवें खुराकां लै लईआं ने तो असी ऑस्ट्रेलिया दे विच तुहाडा स्वागत करने लई उत्सुक हाँ। पीएम मॉरिसन ने कहा कि कोविड का ओमिक्रोन वैरियंट अजे भी ऑस्ट्रेलिया दे विच मौजूद है। उन्होंने भी कहा कि जो अंतरराष्ट्रीय सैलानी कोरोना वैक्सीन दीआं डबल डोज लैके आ रहे हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दे विच पहलां तों मौजूद लोगों के नालों ज़्यादा खतरा नहीं है। दस दिए कि पछमी ऑस्ट्रेलिया हले भी कोविड जीरो रणनीति का पालन कर रहा है। इस तरह राज तो उम्मीद की जाती है कि वह अपने आगमन कैंप अते 14 दिन के क्वारंटीन नियमों को कायम रखेगा जो वड्डी गिनती विच अंतरराष्ट्रीय सैलानियों राज दे विच दाखल होने तो रोक सकता है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने मार्च 2020 तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के स्थाई नागरिकों को आग्या देने तो बाद पड़ावार अपने बार्डर खोले ने। इस तों इलावा नवंबर 2021 सरकार वालों सिर्फ उन्ना हुनरमंद प्रवासियों के विद्यार्थियों को आग्या दी गई सी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन दीआं दोवें खुराकां लगाईआं गईआं सी। पूरे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार.com कानून जायदाद दा।